मनोज वाजपेयी बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे में, तो अभी हिला हुआ हूँ, मैं बार बार बात करूँगा। अच्छा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें राजकुमार की, यार सबने अच्छा काम किया एक फिल्म, अभी ये फिल्म थोड़ा अलग, मैं बार में बात करूँगा। मनोज वाजपेयी जिस लेवल पे जा चुके हैं इस पिक्चर में, वो बहुत ही बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है दोनों की, सारे एक्टर्स की। बात नहीं कर पा रहा, क्या चीज़ आप फील कर पा रहे हैं? आप फिल्म देखिए, आप समझ रहे हो, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। और हर उस आदमी को जो मोरालिटी का झंडा लेके घूमता रहता है इस देश में, सबको देखना। अनुराग सर, अनुराग सर, आप बहुत कम मिलते हैं हमें, वॉच कीपिंग में बिजी दीजिए। राजा बबलू भाई, आप ही का साउंड आ रहा है। देखिए बाइट, कैसे हो आप लोग? बहुत बड़ा आप पते यस, आराम से आराम से लीजिए। कैसे हो दादा? एक्टर हैं मनोज सर, तो अच्छे एक्टर ही हैं, बट इस फिल्म में आई थिंक वो कहीं और ही पहुंच गए, कहीं और ही पहुंच गए। जैसे आप बता रहे थे कि एक्टिंग क्लासेस आप जाएंगे, तो आप अप्रोच करेंगे आप अभी मनोज जी को? मनोज सर के पास इसके बाद टाइम नहीं होगा, बट ही इज़ टू गुड, आई नो हिम फॉर 15 ईयर्स। मैं जब बहुत मोटा था, हम साथ में वर्कआउट करते थे बाबे रेन में, तो मैं वही कह रहा था कि सर आई थिंक इस बार जिम के लिए नहीं, इस बार एक्टिंग क्लासेस के लिए आपके पास आना पड़ेगा। एंड जैसे आपने बताया रियलिस्टिक सिनेमा आजकल बॉलीवुड में एक ट्रेंड चला है, तो कैन वी आल्सो सी यू बीइंग पार्ट ऑफ वन सच फिल्म? आई वुड लव टू बी अ पार्ट किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी प्रोड्यूसर को, या यू नो कहाँ जिन्हें भी लगे कि मैं फिट होता हूँ एंड आई डिजर्व द रोल, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक दिस एंड बी एबल टू डिपेक्ट अ कैरेक्टर लाइक दिस। थैंक यू सो मच। बहुत 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 बढ़िया है फिल्म, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत अच्छी बनाई है और सबके काम बहुत अच्छे हैं, मनोज और राजकुमार और सभी के काम बहुत ही मतलब इट्स अ फिल्म यू हैव टू गो वॉच इट ऑन स्क्रीन। कलाकारों ने पहले भी ये काम किया हुआ है, तो सॉरी ऑफकोर्स कहानी तो है ही बहुत बहुत बड़ा पार्ट, पर डायरेक्टर राइटर एक्टर्स एवरीबडी दे हैव मेड सच अ गुड फिल्म। कहानी है वो पोर्ट्रे करना, वो हमारे तक पहुंचाना, किस तरीके से पहुंचाई गई है कहानी, वो बहुत ही मायने रखती है। फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा कल? वो मुझे पता नहीं, पर फिल्म देखिए आप जरूर। आपकी मांझी फिल्म भी काफी यार मुझे बहुत रेडी। So ma'am, how was the film? Oh, the film is great. Rajkumar Rao is definitely one of my favorite actors. Everyone's going to Hollywood right now and I think he should be the next one actually. Any best part of the film you like the most? I like the acting. It was actually the least commercial Bollywood type film that I've seen lately, and I appreciate that. I really appreciate really good acting. So it's a kind of a heavy subject, so you kind of leave with a heavy heart but a lot of hope and inspiration for the future. Did you cry in the film? I didn't cry in the film. It's been a rough day, so I kind of got that out of my system, but it definitely touches you. It's you know, it's an ongoing problem not just in India but all over the world. People are fighting for their rights. So do you support Section 377? I do. I have a lot of friends. I'm from Los Angeles and I have a lot of homosexual friends, and I come from the arts, and I have I believe everyone has the right to their own preference. Thank I do. You. Thank you. क्या हुआ? सेलिब्रिटी नहीं आ पाता है? अपने
कौन आया पीछे चौथी स्क्रिप्ट लिखवा दो क्या जाओ मैं ये लिख लूँगा पड़ी गई है अली घर के सामने क्या कहना चाहेंगे बहुत टाइम तक खड़ा हो गया था उसको ना सोचा होगा कि मैं पहले रुक के नहीं बाइक नहीं कर रहा भाई चप्पल तो नहीं पीछे आ जा 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 पीछे 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 आ जा अंदर का मान लेता हूं 10 सेकंड हां नहीं नहीं मैं बाहर जा रहा हूं चल चल बंद किया ये मना चल रहा है ठीक है आज पास है आप नहीं बात करने में तो नहीं जाता आ जाए सर पूनम मैम भी सर एक सर सर राइट में सर राइट में सर राइट में थैंक यू पूनम आ जाओ पूनम को छोड़ दे आपके लेफ्ट में राइट में तब्बू नहीं मिलेगा राजा भाई पूनम को छोड़ दो तब्बू नहीं मिलेगा मैं पकड़ लूं पूनम को चलेंगे क्या पूनम धीरे धीरे जाएंगे पकड़ेंगे ना मार लेते पट पट बात करनी फोटोग्राफर घेर लिए यार नहीं तो बाइट के लिए पूछ लेते दोनों गाड़ी में बैठे सर आपके सोलो हाँ सामने सामने बिल्कुल सामने एक पे सामने चलो पीछे बाइट कर हाँ जी हाँ हाँ तो सर कैसे लगी बस ऐसा है ना मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेज है इसके अंदर जो आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा मनोज इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म राजकुमार इज़ वेरी गुड इन द फिल्म और हंसल ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया है अभी तक मतलब आई एम इन द सेम फेज ऑफ द फिल्म और मैं चाहूँगा कि जितने दर्शक अगर आपको अच्छी सिनेमा देखनी है तो प्लीज़ आकर देखिएगा ये मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सब तो आप देखते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा सर ऐसी स्क्रिप्ट बहुत कम लिखी जाती है तो कितना बड़ा दोष है राइटर्स का कि कुछ भी लिख देते हैं वो बन जाता है देखो ऐसा है ना कि मैंने जैसे मैंने कहा कि ऐसी फिल्म बड़ी रेयरली बनती है तो ये मौका है आप लोग इसको गवाइए हमका मत आप प्लीज़ आके देखिएगा आई वॉज वेरी मूव्ड बाई सीइंग दिस फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म प्लीज़ आके देखिए थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे नहीं देती है फैशन शो के दिन गया था तभी मना कर रही थी सर लेफ्ट में देखिए सर लेफ्ट साइड के लेफ्ट सर थोड़ा पीछे हो गए नहीं मैडम सर यहाँ पे
सर 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 आप लेफ्ट में देखिए सर, एक मिनट हो गया, मैं हट जाता हूँ ना, आगे हट जाता हूँ, एक मिनट सर, मार लिया आप, मारो जी जी मनोजी आपकी स्माइल बता रही, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। नहीं अच्छा, देखिए स्माइल इस बात की है कि सारे दोस्त आए थे देखने के लिए और सबको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगता है कि अपने दोस्तों को जो है निराश नहीं किया, इस बात की स्माइल रहती है। और अच्छी बात ये भी, अभी हम लोग शो के बाद अभी हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, कई दिन से कई रातों से जो है हम लगातार काम कर रहे हैं, और एक ऐसी फिल्म को जिसमें हमारा विश्वास है उसको जितने लोगों तक पहुँचा सकें, लोगों को बता सकें इस फिल्म के बारे में, ये कोशिश है। बस दो तीन दिन की और कोशिश और करनी है, जिसको लेकर खुश हैं क्योंकि यूनिट साथ में है, सब लोग इतने दिन से साथ में काम कर रहे हैं और अब हम साथ में हम दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद फिर फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, दर्शकों के दर्शकों का इंतज़ार रहेगा कि वो उस फिल्म को आके पूरे तादाद में देखें, और जैसा भी है एक अच्छी फिल्म है और हमें बहुत गर्व है इस फिल्म पे। क्योंकि सर जितने आपके मित्रगण हैं सबके सब आपकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप पहले से तैयार थे, आपको इतनी तारीफ मिल चुकी है कि तारीफ का असर होता नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता है, आप हर शो जो होता है उसमें अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग सोच के लोग आते हैं, और किसका क्या रिएक्शन होगा ये पता नहीं होता है, तो ये और सबके सब समझदार हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है, तो हर जो आदमी आकर के आपसे बात करता है उसकी एक सोच होती है, उसकी अपनी एक राय होती है, और वो राय देता है, हम सुनते हैं उसको, उसमें हर चीज़ जो है अच्छी नहीं होती है, हो सकता कई बार एक आध चीज़ जो है वो बोलते हैं जो उनको ठीक नहीं लगी, या उनको या उससे उनको एतराज़ है या उस वो उससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी चीज़ होती है, हम उसको मान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। सर, सर, इतनी प्रेज मिली है, कुछ कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ है, कुछ आपको ऐसा बुलाया कि अभी तक क्रिटिसिज्म हुआ नहीं और दुआ यही करते हैं कि सबको अच्छी लगे और सारे दर्शक देखें और इसको सराहें। प्रोफेसर सीरस जो थे इस दुनिया में थे और उनकी ज़िंदगी पे ये फिल्म बनाई गई है, उनकी यात्रा को हमने ये श्रद्धांजलि दी है, और आशा करते हैं कि सारे दर्शक जो है इस उनके इस पूरे जीवन को सराहेंगे। सर क्या लगता है अलीगढ़ के बाद एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा सिनेमा में, या फिर एक नया दौर शुरू हो जाएगा? नहीं, अलीगढ़ से हम यही उम्मीद करते हैं कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखें, ताकि इस तरह की फिल्में ज़्यादा बने, और जितनी कहानी प्रधान फिल्में बनेंगी उतना इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। अमर जी कह सकते हैं आप हर एक फिल्म के साथ अपना ही स्टैंडर्ड आप बढ़ा रहे हैं, अपने लिए आप एक कंपटीशन बढ़ा रहे हैं? देखिए वो हर एक्टर के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप कंपटीशन अपने आप से करें। पिछला जो काम किया है आपने उससे आगे आपका विकास हो, आगे आप अच्छे और अच्छे एक्टर बने, और आगे भी मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैंने जो काम किया है अलीगढ़ में, इसे जो सीखा है उससे मैं और आगे की तरफ और अच्छा बनने की कोशिश करूँ। राजकुमार सर के साथ आपने काम किया फिल्म में, क्या लगता है आपके बाद सिनेमा में राजकुमार सर आपकी जगह ले सकते हैं? राजकुमार सर बहुत सारे लोगों की जगह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, और मैं छोटा एक्टर हूँ इस मामले में, लेकिन वो बहुत ही काबिल इंसान है और बहुत ही काबिल अभिनेता है। सर जब आप कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पहले एंटीसिपेट कर लेते हैं कि ये हिट होगी, सुपर हिट होगी? नहीं, हिट सुपर हिट तो बड़े से बड़े दिग्गज को पता नहीं चल पाए इस इंडस्ट्री के इतिहास में, तो कैसे करते हैं? नहीं, चयन आप करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहानी आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, किरदार आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उस पर आप चयन करते हैं। जी, अब जो कहना एक शॉर्ट फिल्म आई अपनी तांडव, वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा व्यूवर्स हैं उसके जी, तो उसको आप उस कहानी को आपने कैसे चुना? कुछ नहीं, वो देवाशीष मखीजा हैं, उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, उन्होंने जब तक फिल्म हो नहीं रही थी तब तक हमने सोचा कि चल करके एक शॉर्ट फिल्म ही कर लेते हैं,
बहुत इंतज़ार कर लिया था हमने, अब उस फिल्म को एक प्रोड्यूसर मिल गया है, उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही उस फिल्म की शूटिंग में शुरू करेंगे। लेकिन जो आपने पात्र निभाया है, ऐसा कोई हौलदार देखा है आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में? मैंने हौलदार तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह से नाचने वाला हौलदार हमने मैंने पहली बार देखा था। लेकिन वो भी एक ऐसा वाकया है कि जो सच में घटा, और वो जो घटा वो भी दुनिया ने देखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सच के करीब था। दबंग का क्या डायलॉग था? थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, प्यार से। इतना प्यार आपको मिल रहा है, डर नहीं मतलब अच्छा लगता है। आपके कलीग से आपको तारीफ और प्यार जब मिलता है तो अच्छा लगता है। एक दारोमदार ये आपके ऊपर कंधों पर ये आ गया कि जो आपकी अगली फिल्म होगी वो इससे भी दिग्गज हो, महले पे दहला हो, तो फिर कोई ऐसे ऐसी हर फिल्म नई एक नई चुनौती, नई जर्नी होती है और वो नई शुरुआत होती है। मैं उस तरह से देखता ही नहीं हूँ, अगर पिछली फिल्मों के साथ उनकी तुलना करते रहूँ तो आगे काम ही नहीं हो पाएगा जिंदगी में। क्योंकि सर पूरी फिल्म पूरी तैयार हो चुकी है, लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं उसको, तो अब आपको कोई आपको कमी नज़र आती है कि इस जगह थोड़ी ये कमी रहेगी, मैं काश में कर पाता ये चीज़? एक ही कमी है फिल्म में, और बताओ क्या है? आप बताइए। डायरेक्टर बदल देता मैं। तो सर अभी कैसे लेते हैं सर आप अपनी तारीफों को, या आपका बड़ा क्रिटिक कौन है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड लोग कौन आपका बड़ा क्रिटिक है जो आपको सच बोलता है कि यार ये चीज़ आपने ऐसे की? नहीं, ज़्यादातर जो जिनको मैं अपना दोस्त और करीबी मानता हूँ वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, तो और मेरे टीम के लोग हैं वो मतलब क्रिटिकल होते हैं, मुझसे लड़ते हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं खुद अपने काम को लेकर बहुत क्रिटिकल होता हूँ, तो कभी कभी मुझे लोग कहते भी हैं कि थोड़ा कम हो अपने काम के प्रति इतने क्रिटिकल, हो गया कर दिया, एक बार कर दिया फिर भूल जाओ। ओके हंसल, अगर बात करें हम आपके बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स और उसके बारे में थोड़ा कुछ कहा भी होगा कि आप यहाँ पे सुधार सकते थे, बट हाउ डू यू सी एट फ्राइडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑडियंसिस के लिए आपके सर? ये प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। देखिए मैंने शायद जीतू जी जितेंद्र जी ने एक बार कहा था कि भाई दो तीन चीज़ें जिसका कोई आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है इलाज, एक है मतलब गंजेपन का और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का, इन दोनों का मतलब आज तक सही उपाय किसी को नहीं मिला है। नहीं सर, फिर भी काफ़ी अच्छी फिल्म जा रही है, सभी से रिव्यू मिल रहा है, काफ़ी आपने रोड शो भी किया था आज, तो भी कुछ तो उम्मीद होगी फिल्म को लेकर? उम्मीद है, उम्मीद हम फिल्म बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि लोग आए देखे, और जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए फिल्म देखे और फिल्म अपने साथ ले जाए, घर ले जाए, इन कैरेक्टर्स को अपने साथ घर ले जाए और थोड़ा सा प्रेरित हो। फिल्म की बात करें तो क्या लगता है इस फिल्म के बाद ऑडियंस के टेस्ट जो है कुछ बदलते नजर आएंगे? नहीं नहीं, एक फिल्म से तो नहीं बदलेंगे, लेकिन फिल्म हमें बनाती रहनी पड़ेगी जिससे ऑडियंस का टेस्ट बदले, वो मतलब कुछ नया देखने की आदत डाले, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ। हम फिल्म बनाते हैं सोच के कि चलिए अगर अगली फिल्म से ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा बदलेगा, वो और अलग तरह की फिल्म देखना चाहेगा, तो बस वही प्रयास रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या टिप्पणी करेंगे फिल्म के बारे में, आपके कंसेप्शन में क्या बताएं, कैसी लगी फिल्म और क्या आपको आपके जहन को छू गया? जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने सुना था इस फिल्म के बारे में, उससे कई ज़्यादा मुझे ये फिल्म पसंद आई। बहुत ही एक इमोशनल फिल्म थी, बहुत ही गट रेंचिंग फिल्म थी, और जो परफॉर्मेंसेस मनोज सर एंड राजकुमार, आई एम कम्प्लीटली लाइक नो ओवरवेल्म्ड बाय द परफॉर्मेंसेस, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस काइंड ऑफ फिल्म्स आर बीइंग मेड, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर बीइंग टैकल्ड, and audiences are going to be watching this kind of films. I'm happy that we as an audience are open to this kind of content, otherwise you wouldn't have I think in the last couple of years you wouldn't have found so many people backing a film like this, you wouldn't have found people being a part of a film like this, so it's a good very healthy trend, and I'm genuinely happy that a filmmaker like Hansel is brave enough to put out a film like this, and all the actors and the people who are backing it all are backing such good content.
सर जो स्टार्स बहुत अभी हाईली पेड हैं सर, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ने से बहुत डरते हैं ताकि उनका कहीं स्टारडम कहीं खो ना जाए, तो कितना गलत है क्योंकि पब्लिक ने आपको इतना अच्छी फिल्मों में वॉच किया और आप फिर आप सेफ साइड चुनते हैं कमर्शियल फिल्म्स देखते हैं, तो कितना सही है कितना गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक बड़े स्टार्स भी मैं बिकॉज आई इंटरेक्ट विद, आई नो दैट they are also looking for material, they are also looking to do something different, and aisa nahi ki wo aisa choti film karne se darte, bilkul aisa nahi, they want to take chances, but because you know certain films require a certain scale, certain budget, so when they do a film like that, they you know they also make sure that it is scaled down in such a way that you know the budgets need to be correct enough to justify the film. So I'm sure that you know, and you will see, you are you know definitely bigger stars are also taking chances and doing films like this. So aisa nahi ki nahi kar rahe, kar rahe utna nahi kar rahe jitna karna chahiye, but definitely kar rahe. Any scene of the film it touches your heart? I think the whole film only you left when you're walking out of the film. I think the whole film only stays with you. Each and every moment was you know it was quite gut wrenching, but particularly I think that one moment of because Manoj sir was phenomenal in all the scenes that he was in, but for me I think the last scene of I don't want to ruin the movie, but the funeral scene of Rajkumar was I think was very beautiful. I think that I'm sure that scene will not leave me for a long time. So at the last Rajkumar dies in the film? No, he doesn't die, and I'm not giving away the plot of the film. If I'm putting out an interview, why would I spoil the film for anyone? Exactly. Oh. Nobody is dying in the film. Because sir Wazir ek thriller thi, to aap bhi chahenge aisa koi subject uthana samvedanshil vishay jo aap फॉर श्योर. एक कहानी की बात है, अगर एक कहानी है ना, इट्स नॉट लाइक आई नो जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग थ्रिलर्स आई ओनली मेक थ्रिलर्स. आई वुड लव टू मेक फिल्म्स लाइक दिस, आई वुड लव टू टैकल डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. एज अ फिल्म मेकर यू वांट टू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, जैसे फिल्म मेकर्स ऑल्सो आर्टिस्ट यू नो, लाइक एक्टर्स कीप चैलेंजिंग देमसेल्फ्स एंड टू डू डिफरेंट रोल्स. एज फिल्म मेकर ऑल्सो वी वुड लाइक टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू डू फिल्म लाइक दिस. विश यू द बेस्ट. थैंक यू.